खर्चा होने वाला है वैसे तो मोटा। भाई ये फ्रिज ना भाई सही टाइम पे धोखा दे गया, मतलब यहाँ पास देख रहे हो इसे बर्फ जमने के लिए रखे थे भाई, ये बर्फ पूरा पानी पानी हो गया है। और हाँ मतलब अभी कसिन कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई आज अपना छुट्टी है तो आज हम अपना पढ़ने वढ़ने का काम भाई अब घर में निपटाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है गाइस सुबह के 10:45 मैं अभी सोच रहा हूँ कि भाई मैं अपना काम निपटा लेता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो यार। सो गाइस मैं अभी फिर से आ चुका हूँ भाई छत में। और मैं बता देना चाहता हूँ गाइस कि जब आप लोग मेरे पुराने चैनल में अगर जाओगे तो इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि मेरे को भाई बिजली वाले काम मतलब कुछ सेंसर वेंसर वाला और छोटा मोटा डीसी मोटर आता भाई इसका काफ़ी ज़्यादा शौक था, मतलब इससे बहुत सारी चीज़ बनती है गाइस। तो उससे मैं भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब इसका शौक था, पर भाई अभी इतना शौक नहीं है क्योंकि अभी शौक है गाइस पर अभी मेरे पास इतना सामान नहीं कि मैं ये सब थोड़ा बहुत कुछ बना पाऊँ, क्योंकि मैंने पूरा भाई अपना सामान छोड़ आया हूँ भाई पेंड्रा में। पेंड्रा तो अभी जाना नहीं है अपने को, तो पेंड्रा जब जाएंगे तो भाई वहाँ सामान लेके आएंगे और कुछ एकदम आतंक चीज़ बनाएंगे और दिखाएंगे गाइस आप लोग को। अभी किसी दिन कुछ ऐसा ही हो रहा है गाइस। और गाइस आप लोग देख सकते कि भाई अपने घर के सामने इंडियन बैंक है, यहाँ पास भाई हल्की फुल्की भीड़ तो भाई हमेशा लगी रहती है, नहीं पता क्यों ऐसा भीड़ नहीं लगानी चाहिए भाई बैंक के बाहर। मतलब इन लोगों को बोलना चाहिए कि थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग में खड़े हो, मतलब अभी वैसे भी कोरोना का टाइम ही चल रहा है तो थोड़ा सा भाई सोशल डिस्टेंसिंग तो इन लोग कर ही सकते हैं। मतलब हाँ अक्सर देखते हैं भाई वैसे थोड़ी बहुत भीड़ लगी रहती है ये बैंक के सामने। सो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई अभी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है और तो मतलब पानी कितने देर का मौका हुआ भी था पर पानी नहीं गिरा, मतलब थोड़ा सा गिर के बंद हो गया है। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है अभी, यहाँ 43 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा पर ऐसा लग रहा है भाई कि 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब भाई एकदम काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ तो अभी। सो गए अभी का सीन कुछ ऐसा है कि ये अपना जो फ्रिज है यहाँ पास देख सकते हो आप लोग, इसका भाई एक बार गाइस ये इसका फ्रीजर ऊपर का एक बार ख़राब हो गया था गलती से मेरे से ही, मतलब इसमें वो बोलते हैं यार वो पेचकस पड़ गया था तो उसके पूरा गैस लीक हो गया था तो ये ऊपर वाला गाइस हमने पूरा चेंज करवा दिया था। उसके बाद भाई ये सब क्या क्या और कंपोनेंट लगे थे फलाना ढिमकाना वो, उसके बाद वो सब चेंज होने के बाद भी गाइस ये फ्रीजर अपने इतने अच्छे से मतलब काम नहीं कर रहा है यहाँ, मतलब भाई कुछ ठंडा ही नहीं हो रहा अंदर में। देख दिखाता हूँ भाई आपको, यहाँ पास देख रहे हो भाई इसे बर्फ जमने के लिए रखे थे भाई, ये बर्फ पूरा पानी पानी हो गया है। और हाँ मतलब भाई ये फ्रीजर ना भाई सही टाइम पे धोखा दे गया, मतलब अभी इतना गर्मी हो रखी है और ऊपर से फ्रिज भी काम नहीं कर रहा है इसका। मैं ऑनलाइन जाके भाई कंप्लेन करता हूँ LG कंपनी में, क्योंकि LG का ही फ्रिज हो रखा है, LG का ही फ्रिज है तो मैं कंप्लेन करता हूँ कि भाई ये ठंडा वंडा नहीं रहा, जो भी करना करो आके देखो भाई एक बार ये पूरा सीन क्या है कि भाई अपना फ्रिज ख़राब था। तो मैंने अभी फ़ोन किया कंपनी वाले को LG के कस्टमर केयर नंबर में, तो उन लोग बोल रहे हैं भाई हम आएंगे तो आपसे वैसे चेक करने का भाई, उन लोग जो इंजीनियर भेजेंगे जो भी भेजे फलाना ढिमकाना उससे भाई उन लोग हमसे चार्ज लेंगे भाई 400-500 रुपये सिर्फ चार्ज के, सिर्फ चेक करने के लेंगे भाई बनाने के लिए सिर्फ चेक करने के लिए उन लोग 400-500 रुपये लेंगे, मतलब क्या है चार के। और भाई इसके भाई सामने ही लिखा है, दिखा भी दूंगा आप लोग कि भाई 10 साल की वारंटी है और वो बोल रहे हैं भाई कि आपका फ्रिज वारंटी से बाहर हो गया, जो उन लोग 1 साल का ही वारंटी मानते हैं ऐसा कुछ है, तो मतलब क्या ही लूट रहे हैं भाई। कभी किसी ने ऐसा है ना कि भाई अब मैं गया था जहाँ से हम फ्रिज खरीदे थे उस दुकान में, उन्होंने भाई किसी का नंबर दिया कि इससे लगा के बात करो और मतलब जो भी बोलेगा वो देखेगा फिर आके चेक करेगा भाई, मतलब वो 400-500 रुपये नहीं लेगा मतलब फिर चेक करने के, बस वो सिर्फ भाई अपने आने जाने का पेट्रोल का पैसा लेगा और ठीक है दे देंगे उतना तो, और मतलब वो चेक करके बता देगा गए थी मतलब फ्रिज क्यों नहीं मतलब वो हो रहा है ठंडा है नहीं हो रहा है कूलिंग नहीं कर रहा है, शायद तक गैस की प्रॉब्लम है या फिर इसका कुछ बड़ा कंपोनेंट देखते हैं क्या कंप्रेसर होता है ऐसा कुछ चीज़ रहता है शायद हाँ रहता ही है वो शायद तक वो ख़राब हो गई, जो मेरे को लग रहा है मतलब थोड़ा बहुत बिजली के बारे में जानता हूँ तो जो मेरे को लग रहा है कि इसमें या फिर कैसे हूँ फिर इसका कंप्रेसर है ख़राब हो चुका है दोनों से एक तो हुआ है मेरे को ऐसा लग रहा है। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि भाई अपनी रेफ्रिजरेटर वाले से बात हो गई है, मतलब जो रेफ्रिजरेटर बनाते हैं कंपनी वाले से ही बात हुई है सीधा, तो उन्होंने बोला कि भाई कल शाम को 4 बजे के बाद आएंगे, मतलब जैसे अपना स्कूल भी खत्म हो जाएगा तो 4 बजे के बाद उन लोग आ भी जाएंगे गाइस। और सीन तो अभी कुछ ऐसा ही हो रखा है, उसने बोला है भाई कि रेफ्रिजरेटर वाले भाई हम 4 बजे के बाद आएंगे तो 4 बजे के बाद हमारे स्कूल से छुट्टी भी है, इसलिए मैंने उसको बोला भाई कि 4 बजे के बाद आना, तो 10 बजे के बाद बोल रहा था 10 बजे के बाद हमारे घर में कोई रहता नहीं है मतलब सब स्कूल चले जाते हैं तो फिर क्या ही मतलब होगा उसके आने का।
इसलिए भाई देखते हैं क्या ही मोटा खर्चा होने वाला है। वैसे तो मोटा खर्चा मेरे को नहीं लग रहा है, पर अगर होगा तो भाई हम बनवाएंगे ही नहीं, मोटा खर्चा होगा तो फ्रिज बोलेंगे ही रहने, तो बाद में देखा जाएगा जो भी किया जाएगा। पर फ्रिज भाई मतलब कितने 2018 में लिए थे गाइस, और अभी 2021 चल रहा है, मतलब 2018 के जून में, और मतलब करीबन वही 2 साल से ज़्यादा हो गया है। तो फिर भी यार 2 साल से ज़्यादा मतलब लोग घर 10-15 साल चलते हमारे यहाँ, 2 साल से ज़्यादा खराब हो रहा है, क्या ही सीन हो रहा है, मतलब फिर तक कुछ समझ आ नहीं रहा है। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है भाई रात के 8, और अपना फ्रिज अभी भी काम नहीं कर रहा, मतलब उसको दिखाना ही पड़ेगा। ऐसे जो अपना ऊपर जो पंखा है ना, यही वही मतलब इसमें कंडेंसर की प्रॉब्लम आ गई, मतलब गर्मी हो रखी है इतनी, और ऊपर भाई कितनी ज़्यादा गर्मी है, और उसमें फ्रिज भी खराब हो गया। पंखा का तो मैं बोल के आया हूँ भैया थोड़ी देर में आके बना ही देंगे, पंखा का चलो बन जाएगा मतलब आज में ही, और भाई फ्रिज का भी काफ़ी दिक्कत है, मतलब कल देखते हैं बना तो ठीक है, तो भाई कुछ करेंगे जो भी आप लोग को आगे पता चल जाएगा। और अभी मैं पढ़ देता हूँ भाई, एक ही सब्जेक्ट का बचा है पढ़ने के लिए, सब सब्जेक्ट मैं पढ़ लिया हूँ, सिर्फ अभी फिजिक्स का बचा है, तो फिजिक्स थोड़ा देख लेते हैं बनाओ ना के, और बस। तो भाई अभी रात हो चुकी है और अपने वीडियो खत्म कर देंगे, अभी टाइम हो गया है, अभी बज रहे हैं 9 बज चुके हैं पूरे, करते हैं वीडियो कहीं खत्म, टिल देन बाय, साइनिंग ऑफ।